हेलो फ्रेंड्स, सुनीता मोहन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे नारियल से कुल्फी तैयार करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। तो चलिए हम कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ का नारियल लिया है और इससे मैंने पीसेस निकाल लिया है इस तरह से, जिससे कि हमें इसे पीसने में आसानी होगी। नारियल का ऊपर का जो छिलका है उसे भी हम निकाल लेंगे। नारियल को हमें एकदम से बारीक पीसना है। यहाँ मैंने हाफ कप पानी लिया है और इसे एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लिया है इस तरह से। फिर इसे हम छलनी में डालकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और फिर से इसमें हम हाफ कप पानी डालकर एक बार और हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, नारियल जो है हमारा एकदम से बारीक पीस गया है। अब इसे हम बर्तन में डालेंगे और हम अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ मैंने कोकोनट मिल्क तैयार करने के लिए 1 कप वाटर यूज़ किया था, तो उसी के हिसाब से हम ड्राई मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून, शुगर 1/2 कप और बारीक कटा हुआ पिस्ता 1 टेबल स्पून डालकर इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा कुल्फी का मिक्सचर जो है तैयार हो गया है। इसे हम धीरे धीरे करके मोल्ड में डालते जाएंगे। अब हम मोल्ड को फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। हमारा कोकोनट कुल्फी जो है अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम मोल्ड से निकालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कुल्फी को मोल्ड से निकालने में दिक्कत आ रही है तब हम हॉट वाटर में कुल्फी मोल्ड को 30 सेकेंड के लिए रख देंगे। उसके बाद हम कुल्फी निकालेंगे, जिससे कि कुल्फी जो है आसानी से निकल जाएगा। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर इसे पिस्ता या फिर अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। हमारा टेस्टी कोकोनट कुल्फी तैयार है। फ्रेंड्स, आप यह रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।